पंचायत समिति के ग्राम पंचायत शेरगढ़ के ग्राम सौलिया में ढमेला जा रहा रोड अधिक बारिश के चलते टूट गया है। लेकिन आज 3 दिनों से रोड टूटा हुआ पड़ा है, जहां पर अब तक ना तो मौके पर सरपंच पहुंचा है और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई अधिकारी सूट की सुध लेने पहुंचा है, जिससे स्थानीय किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं किसानों ने एक्सप्रेस न्यूज भारत को रूबरू होते हुए बताया कि हमने इस रोड को लेकर सरपंच को भी अवगत कराया है और साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग को भी फोन कर अवगत कराया है, लेकिन मौके पर ना तो कोई सरपंच पहुंचा है और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचा है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस रोड पर होकर गाँव के सभी जानवर चारा खा चरने जाते हैं और आज 3 दिनों से जानवर घरों में बंद पड़े हैं, जिसके चलते यहाँ सामने चारे की समस्या बनी हुई है। और जब प्रशासन दिन से नहीं जागता तो हम ग्रामीणों ने अपने स्तर पर चंदा कर इस रोड का राहत कार्य शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद जनप्रतिनिधि या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग कब नींद से जागता। आज हम ग्राम पंचायत शेरगढ़ में है और शेरगढ़ का एक छोटा सा गाँव है सोलिया, और इस सोलिया से डबरेला जाने वाला एक रोड है और रोड पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया गया है और बताया जा रहा है कि 2007 में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन अधिक बारिश के चलते ये रोड लगभग 30 फीट टूट चुका है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि यहाँ न तो अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है और न ही सरपंच जो जनप्रतिनिधि यहाँ का कहलाता है वो मौके पर पहुंचे। इसी को लेकर हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि आखिर ग्रामीणों की क्या समस्या है, क्या वो राहत कार्य करवा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? सर, 3 तारीख से हमारे रास्ता बंद है और इधर हमारा जानवरों के जाने के लिए चरागा भी इधर ही है। सरपंच साहब को बोल दिया, बोला मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, और फिर बाद में बोला पीडब्ल्यूडी का, पीडब्ल्यूडी वालों को पता करे तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया वो है, दूसरा का नंबर दिया, बोला व्हाट्सअप भेज दो, हमारे आदमी भेजेंगे, कोई आदमी नहीं है हमारे पास में। और अब जैसे तैसे हमारे स्तर पर गाँव वाले चंदा हुआ है और सब गाँव वाले एक तन मन धन से लग के और ये काम कर रहे हैं। 3 JCB लग रही है, 12-13 ट्रैक्टर लग रहे हैं हमारे। अब तक कितना खर्चा आ चुका है? हैं खर्चा तो आकलन बंद होने के बाद भी हिसाब करने पता चलेगा। नहीं नहीं, अभी तो एक लाख का चंदा तो सुबह कर लिया ना। हाँ, 1 लाख रुपए का चंदा हो चुका है। हाँ, हो चुका है। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि प्रशासन अभी तक नींद से नहीं जागा है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि प्रशासन पीडब्ल्यूडी विभाग को यहाँ मौके पर आना चाहिए था। इसी को लेकर हमने जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी से हमने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि हमने हमारे विभाग का जो IN उसे हमने मौके पर भेज दिया, लेकिन मैं करीब 2 घंटे से यहाँ उनका इंतजार कर रहा हूं, लेकिन ना तो यहां सरपंच मौके पर पहुंचा है ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है। अब देखना यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ये प्रशासन कब नींद से जागता है और उनका यह राहत कार्य शुरू करवाता है। एक्सप्रेस न्यूज़।